हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल दुबे के इस नए वीडियो में। आज के फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बिना फिंगरप्रिंट सेंसर वाले मोबाइलों में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, जो महंगी मोबाइलें आती हैं उनमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से आप अपने उन मोबाइलों में फिंगरप्रिंट लॉक को लगा सकते हैं। लेकिन जिनके पास सस्ती मोबाइलें हैं, जिनके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, उनमें आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को कर ले प्रेस। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर ले लाइक। तो फ्रेंड्स, ये बताने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, छोटी सी वीडियो है, स्किप ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आप उन मोबाइलों में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं जिन मोबाइलों में फिंगरप्रिंट का सेंसर नहीं है। तो फ्रेंड्स, बहुत कमाल की वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिस एप्लीकेशन का नाम मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्री कर लेट्स गो पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना एक अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जिससे कि कोई और आपके इस ऐप को ओपन ना कर पाए। तो चलिए मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। 4 अंक का आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, फिर करना है कंटिन्यू। उसके बाद ये 2 बार यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा कंफर्मेशन के लिए, 1 बार। तो चलिए हम ये डालकर कर देते हैं ओके। फिर इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको कर लेना है स्लाइड ऐसे। यहाँ पर आपको इस ऐप के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब आपको करना है कंटिन्यू टू इनरोल, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, इस पर आपको कर लेना है क्लिक। अब आपको अपने उस हैंड को चूज़ करना है और उस फिंगर को चूज़ करना है जिस फिंगर को आप फिंगरप्रिंट पर सेट करना चाहते हैं। फिलहाल चलिए मैं राइट फिंगर का ये वाला फिंगर चूज़ कर लेता हूँ। ऐसा करने के बाद फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको अपने कैमरे के सामने अपनी उंगली को लाना है। चलिए मैंने फ़िलहाल पहली उंगली में लगाया था, तो मैं इसे अपने कैमरे के सामने ला कर इस पर आपको इस तरह से बिल्कुल सेट करना है। तो ये 1 बार अभी हो गया है, ये 7 बार इस तरह से होगा। अगर आपका फिंगर हिलेगा तो ये जल्दी नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको फिंगर को अपने ही थोड़ा भी हिलाना नहीं है। दूसरी बार हो गया, तीसरी हो गया, तो ये 7 बार ऐसा होता है। मेरा जो फिंगर है अभी ये थोड़ा हिल रहा है, इसलिए कुछ दिक्कत आ रही है, टाइम ले रहा है इसलिए। ये 3 बार और बाकी है, तो हम इसे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूं और मैं फिंगर को अपने वेरीफाई कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना फिंगरप्रिंट जो है वेरीफाई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, फिंगरप्रिंट वेरीफाई करते समय आपका जो हैंडसेट है, यानी कि आपका जो मोबाइल है और आपका जो फिंगर है, वो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। मेरा 1-2 बार हिल गया, जिससे ये कंफर्म नहीं हो पाया। इसलिए जब मैंने पूरे इसे अस्थाई रूप से इसे किया, अपने मोबाइल को पूरा एक जगह पर फिक्स किया और अपने उंगलियों को हिलने नहीं दिया, तब मेरा जो ये मैच है ये कन्फर्म हुआ। अब मेरे पास ये मैसेज आया मैच कन्फर्म्ड का। इतना होने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा यूज दिस फिंगरप्रिंट, यहाँ पर। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक।
जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, अब आपको ये ऐसा इंटरफेस आपको इस ऐप में देखने को मिलेगा। अब आपको इसे सेट करना है अपने लॉन्चर के रूप में, तो यहाँ पर आपको करना है ओके, यहाँ पर क्लिक कर देना है नीचे जो इंटरफेस था। अब आपको इस तरह इंटरफेस आएगा, आपको नीचे इस ऐप का इंटरफेस दिखाई देगा, फिर इस पर आपको कर लेना है क्लिक। इतना करने के बाद अब आपको कर देना है बैक। साथ ही नहीं हुआ, हम एक बार और कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो है ये ऑन हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लॉक हुआ कैसे। अब मैं आपको यहाँ पर लॉक कर दिखाता हूँ, तो जैसा यह है। अब मैं इसे ओपन कर आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने पहले जो अपना पिन यहाँ पर डाला था, पहले जब मैं सिक्योरिटी लगाया था तब वाला पिन मैंने डाला। अब मेरे मोबाइल में कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अभी मेरा जो है फ़ोन ये ओपन नहीं हुआ है। अब मैं अपनी उंगली को आपको यहाँ पर मैच करवाना है जिस उंगली से आप फिंगरप्रिंट सेट किए थे। फिलहाल मैं उसी उंगली को यहाँ पर लाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी जैसे ही मैच कर लेगा हमारा जो लॉक है ये ओपन हो जाएगा। फिलहाल अभी मैच कर रहा है, हम वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है ये ओपन हो गया है, यानी कि हमारे यह फ़ोन पर फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप एक बार और देखना चाहते हैं तो मैं आपको फिर दिखा देता हूं। मैंने लॉक किया, अब जो मेरे पास यहां पर इंटरफेस आया ये मेरा पहले का पिन है जो मैंने बहुत पहले से ही अपने फ़ोन में लगाए रखा था। तो मैंने इसे ओपन किया तो उसके बाद ये डायरेक्ट अब आ गया ये आइस अनलॉक वेरीफाई करने वाला इंटरफेस। तो आप देख सकते हैं मेरे पास फिर वही इंटरफेस आया। अब मैं अपनी उंगली को फिर यहाँ पर लाता हूँ। आपको उसी उंगली को लाना है जो आपने वहाँ पर इनरोल किया है। तो अभी ये हिल रहा है। तो यहाँ पर कैप्चर हो गया, अब ये वेरीफाई होगा। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये आपका फिंगर जो है ये फिंगर से आपके मैच होकर ओपन नहीं होता है तो आप इसे तोड़ कैसे सकते हैं, ये भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मेरा जो अभी ये है ये ओपन हो गया है, यानी कि मैंने वेरीफाई कर लिया है और हमारा ये जो फ़ोन है ओपन हो गया है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे तोड़ कैसे सकते हैं अगर आपका ये फिंगर अगर मैच नहीं हो रहा है तो। वो मैंने यहाँ पर लॉक खोला, फिर वो आइस अनलॉक मेरा जो वेरीफाई होगा वो आएगा भी। तो आप देख, अब मैं इसे करता हूँ ओपन बिल्कुल इस तरह से। अब जैसे कि आपके पास ऐसा इंटरफेस आ गया आपके फिंगरप्रिंट को मैच करने का और आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो आप इसे तोड़ कैसे सकते हैं, अब मैं ये बताता हूँ। फिर आपको यहाँ पर जाना है इस वाले ऑप्शन पर, फिर इस ऑप्शन पर आपको कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको अपना वो पुराना पिन डालना है जो आपने इस ऐप में एकदम पहले जब ये ऐप खोले थे आप जो इसमें पिन डाले थे उस पिन को आपको यहाँ पर डालना है। फिलहाल मैंने जो पिन यहाँ पर डाला था मैं इसे डाल देता हूँ, उसके बाद आपको कर देना है ओके। तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है ये ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।